प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप की यात्रा पर हैं और अब पोलैंड के बाद अपने अगले पड़ोसी देश यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन लगभग 2.5 साल से रूस के साथ युद्धरत है। वैश्विक स्तर पर युद्ध को शांत करने के कई प्रयास हुए, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर हो रहा है। गौरतलब है कि इस यात्रा से पहले 6 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की यात्रा की थी, जिससे पश्चिमी देशों में नाराजगी की लहर देखने को मिली थी। अब यूक्रेन की यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाए रखने और तनाव कम करने का है। यह भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद पहली यात्रा है, जो इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्र होने के बाद यूक्रेन ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध के चलते यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस समय यह देखना अहम होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में हैं, क्या रूस गोलीबारी और संघर्ष को रोकता है या युद्ध जारी रहता है।